अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विद एन अदर व्लॉग एंड एन अदर वेरी विंडी डे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मौसम के कुछ सीन्स ये हैं हमारे पास के बाहर जो है ना, बहुत तेज़ हवा और बारिश हो रही है। और अभी जो है ना, मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को आज की स्टोरी बताऊँगी कि सुबह से हमारे साथ क्या चल रहा है। और अभी जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, लाइक हमारे पास 1 बजे से ऊपर का टाइम हो गया। और अभी मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ और बच्चों ने जो है ना हमें सुबह से सही तंग किया हुआ। अंदर ये बैठी हुई है और मनीहा और आकिब जो है ना वो अभी तक ऊपर ही हैं। अंदर से हेलो गाइस, यहाँ पे देख के हेलो से हेलो गाइस पांडा। ओके, दिस इज़ पांडा। हेलो गाइस, दिस इज़ यूनिकॉर्न। जी से दिखाएगी हमारे पास ना आज को इतनी ज़्यादा ठंड हुई हुई है बाहर के, कुछ ये सीन्स हैं। सुबह से जो है ना बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और ऐसे ही हवा भी है। हम जो है ना फिर अपनी आज फायर प्लेस ऑन करने लगे हैं। वो लाइटर लेके हम दूर से पास नहीं जाना आप लोगों ने। ओके, इस फायर, यस इस फायर, नहीं ये नहीं बुझेगी, क्यों? ये लगी रहेगी ना। यस दिस इज फायर। तो गाय सुबह कुछ सीन ये हुआ कि जब मैं सो के उठी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा था और उसके बाद बच्चे भी साथ ही उठ के, और फिर ना वो सोए और ना उन्होंने मुझे सोने दिया। और फिर मैंने 2 पैनाडॉल की टैबलेट्स ली ताकि जो है ना वो मेरा हेडेक सही हो जाए, क्योंकि फिर मैंने उठ के नाश्ता भी बनाना था और अगर मैं ना सही होती तो कोई और काम करके देने वाला नहीं था। एनीवेज़ फिर जो है वो काफ़ी देर के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी सही हुई और 1 बजे के बाद फिर मैं उठी और फिर मैंने नाश्ता बनाया और अब जो है कुछ थोड़ी बहुत मेरी तबीयत जो है ना बेहतर है। एनीवेज़ बाहर जो है अजीब ही कोई मौसम हुआ वैसे ही तेज़ आंधी वाला सीन। और अभी जो है हम बच्चों को लेके प्लेइंग जोन जा रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ जो है ना वो काफ़ी टाइम से कह रही थी और कल से फिर जो है वो आके भी वही रूटीन और कॉल्स और सारा कुछ, और फिर जो है ना हमें टाइम नहीं मिलेगा। सो अभी जो है ना हमारा कुछ ये सीन है और मेरी तबीयत अभी भी प्रॉपरली सही नहीं है बट पहले से जो है ना कुछ बेहतर है। कहाँ जा रही हो? आप कहाँ जा रही हो? अंदर झूले पे जा रही है ये। Thank you.
the signs. Now it's your turn. You want to come again? Yeah. Okay, हम फिर आएंगे. सही, अभी बारिश बहुत तेज हो रही है. मैं आपको यहाँ से कैसे बिठाऊंगी, जगह कम है. मैं बाबा से कहते हैं गाड़ी देखते हैं, आप बाहर आओ, बाहर आ जाओ, साइड पे खड़ी. बाबा से कहती हूँ मैं गाड़ी आगे करें, फिर मैं आपको बिठाती हूँ. बच्चों के सीन्स हैं और मैं सोच रही थी कि इतनी खामोशी क्यों है, और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो दोनों सोई हुई हैं. आकिब ने अपने लिए कुछ लेना था, आकिब हमें छोड़ के गए ग्रॉसरी स्टोर, और हम तीनों गाड़ी में थे. और मतलब विद इन लाइक फ्यू सेकंड्स और एक मिनट के अंदर अंदर ये दोनों जो है ना सो गई. एक तो सुबह बहुत जल्दी की उठी हुई थी, और फिर वहाँ पर खेल खेल के लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए शायद, और अब जो है ना वहाँ पे अंदर ना इतना ज़्यादा शोर होता है कि वीडियो के साथ बोलने को कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि फिर आवाज़ नहीं आती और समझ भी नहीं आती, फिर बड़े मेस्ट अप सा सीन हो जाता है. और एक जो है ना मुझे सुबह से हेडेक भी है, और स्टिल जो है मैं बच्चों की वजह से आ गई, क्योंकि मैं नेहा जो है ना उसको बहुत दिल कर रहा था. तो फिर जो है ना बस मैंने इनकी वीडियोज ही बनाई, और फिर मैं बैठ गई और ये लोग खेलते रहे. और आज पता नहीं हम लोग खाने का क्या करेंगे रात के, लेट्स सी क्या होता है. आकिब जो है ना अभी ये लेके आए हैं, और बच्चे सो गए हैं, तो हम जो है ये ट्राई कर लेंगे, क्योंकि बच्चे दोनों जो है ना उनके गले ख़राब हैं. और ये वॉल्स का है, दिस इज़ आइस लॉली सॉर्ट ऑफ थिंग. इसको ना पीछे से प्रेस करते हैं, आइस लॉली बाहर आ जाती है. अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस हो गया तो मेरी आइस लॉली पूरी बाहर आ जाएगी. वी हैव मैरिनेटेड द चिकन वापस आके डिनर के लिए, और इसका जो है ना अभी हम चिकन टिक्का बना लेंगे. राइस भी पड़े हुए हैं, और अगर आके हमने खाना खाना हुआ मतलब रोटी खानी हुई तो दाल भी पड़ी हुई है. सो वी विल हैव दिस, और मे बी वी विल मेक बर्गर्स एज वेल, या तो चिकन फिलेज दूसरे वाले फ्राई करके, या तो इससे ही बच्चों के लिए. खैर एनी वेज, इसमें जो है ना हम लोगों ने कोई ये मसाले वसाले डाले हैं दिए ये, और लेमन ड्रेसिंग की है, और थोड़ा मिर्च डाल दिए थोड़ी सी. और बाकी जो है ना सुबह क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं सारा कुछ छोड़ के इधर चली गई थी, और आके जो है ना मैंने सारा किचन साफ़ किया. अब भी जो है मैं यहाँ से सारा वैक्यूम क्लीनर चलाऊँगी. मैंने यहाँ इज़ स्टिल स्लीपिंग, और अंजश जो है ना ये खेल रही है जिस वक्त से आई है ना, है ना. नो लेफ्ट, what is this? नहीं, ये आपके हाथ में क्या है? No, what is this? What is this? What is this? What is this? It's not slime, it's clay. रूम के हम लोगों के जो है ना कुछ ये हालात है. मेरी तबीयत सुबह सही नहीं थी, तो बस रफ रफ सा ही सीन था. और अभी जितनी देर जो है ना वो चिकन मैरिनेट होगा और मनीहा इज स्टिल स्लीपिंग, तो उतनी देर में जो है ना मैं अपना सारा रूम सेट करूँगी. और ये है कि कुछ इतना वो नहीं है कि बहुत ही गंद मचा हुआ हो, बट स्टिल मैं वैक्यूम क्लीनर लेके आई हूँ. मैं यहाँ से वैक्यूम क्लीनर चलाऊँगी, क्योंकि यार कुछ पता नहीं होता तबीयत का, और अभी भी जो है ना मुझे हल्का हल्का सा हेडेक हो रहा है, बट अभी जो है ना मैं काम कर सकती हूँ, वरना सुबह से जो है मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था. और ये बच्चों के टॉयज यहाँ पर ही पड़े रहेंगे, क्योंकि अगर मैं इनको रूम में लेके भी जाऊँगी तो ये वापस दोबारा यहाँ पर ही आ जाएंगे. Done with the room, and now I am going to let it for some time, just for the fresh vibe. और इसकी जो है ना बड़ी अच्छी सी fragrance है, so आपको जो है ना room से एक अच्छी सी vibes आती हैं. And I'm going to leave it for some time, और उसके बाद मैं इसको जो है ना बंद कर दूँगी.
इंजेक्शन लगा रहे हैं चिकन को। खाना खाने के बाद किचन के दोबारा से कुछ ये हालात हो गए। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर द टेबल। सारा किचन जो है ना वो मैं साफ करूँगी। जी क्या हुआ? आपा के साथ खेलें आप? मामा काम करने लगी। यू जस्ट गो देयर, जस्ट गो देयर। थैंक यू। ओके वट एवर, जस्ट गो देयर। ओके ओके, जस्ट गो देयर। थैंक यू। रात को जो है ना मैं स्प्रे कर दूंगी, सुबह तक ये सेटल हो जाएगा। मेरा जो है ना अभी बस बच्चों का दूध डालना रह गया, उसके अलावा मैंने बाकी सारा किचन साफ़ कर लिया। और जिस दिन हम लोग ग्रिलिंग करते हैं ना, उस दिन मुझे ये सारे वॉश करने बहुत मुश्किल लगते हैं। खैर एनीवेज, ये भी सारा मैंने कर लिया है। सारा किचन जो है वो मैंने साफ़ किया है, उसके बाद मैंने सारा वैक्यूम क्लीनर चलाया, अभी फ्लोर मॉप किया है और सोफ़ाज़ पर मैंने स्प्रे भी कर दिया। और अब जो है ना मेरा दोनों पोर्शंस बिल्कुल सही हो गए, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। और बंदे को जो है ना वो क्लीनिंग फ्रीक होना चाहिए मेरी तरह। फिर चाहे रात का जो मर्ज़ी टाइम हो रहा हो, आप ना अपनी सफाइयाँ करके ही सोएंगे। और अभी हमारे पास रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं अपना सारा घर साफ सुथरा करके सोऊंगी। एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस अगेन, क्योंकि मेरा हेडेक जो है वो अभी तक सेटल नहीं हुआ। और आज वाले व्लॉग में आप लोगों को पूरा दिन यही सुनने को मिला होगा कि यार मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे सर में दर्द हो रहा है। और डोंट नो व्हाई, आज वाकई मुझे पूरा दिन सर में दर्द रहा है। मतलब मुझे सर में दर्द बहुत कम होता है, पता नहीं आज क्या सीन हुआ, मेरी नींद डिस्टर्ब थी या मैं, मतलब आई डोंट नो। सो गाइज लेट्स फाइंड अप द डे ओवर हियर। और सारा दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं कोई काम नहीं कर सकी, लेकिन शाम 7:30 बजे के बाद से अभी हमारे पास 1 बज रहा है, मैं कंटिन्यूसली जो है ना वो काम कर रही थी। और शुक्र है कि सारे काम हो गए हैं, बट मेरी तबीयत जो है ना वो कोई एज सच इतनी ठीक नहीं है। एनी वेज में भी जो है मैं सो जाऊँ तो सुबह तक बेटर हो जाए। और सुबह से जो है वो हम लोगों ने अपनी रूटीन भी दोबारा से प्रॉपर कंटिन्यू करनी है। मनीहा ने सुबह स्कूल जाना है, कुरान पाक की क्लास लेनी है, आके अपने कल से दोबारा जाना है। लाइक वीकेंड इज़ ओवर, तो लेट्स सी कि क्या होता है। और ख़राब तबीयत के साथ भी आई वॉज़ वर्किंग और मुझे सारा काम करना था। और मैंने जो है ना अभी इस वजह से सारे काम ख़त्म किए, क्योंकि कल आके घर नहीं होंगे और मुझे नहीं पता कि मेरी तबीयत कैसी होगी। तो जितने पॉसिबल काम मैं अभी कर सकती थी वो मैंने कर लिए हैं, क्योंकि कल मुझे कुकिंग भी करनी है। तो फिर जब सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं और मैं घर में अकेली होती हूँ, तो मेरे लिए बच्चों के साथ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बाहर के मुल्कों में अकेले रहने के ये ड्रॉबैक्स तो होते हैं कि आपने सारा कुछ, चाहे आप मर रहे हैं या जी रहे हैं, आपने खुद ही करना होता है। और मामा अक्सर कह रही होती हैं कि तुम इतने दूर हो गए, तुम पास होती तो हम तुम्हें खाना बना के भेज देते, हम ये कर देते, हम वो कर देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और डेफ़िनेटली जब माएँ आपके पास होती हैं तो माएँ तो मतलब आपका इतना ज़्यादा हेल्पिंग हैंड होती हैं और इतनी ज़्यादा आपको आसानी होती है उनसे। बट सो दिस इज़ लाइफ एंड दिस इज़ हाउ इट गोज। इस नोट के साथ हम अपना आज का व्लॉग यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। एंड यस, सी यू गाइज टुमारो इंशाल्लाह विद अनदर व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।